हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मलिक बख्तावर अब्बास मेरा नाम है और मलिक अलमदार हुसैन शहीद का बेटा हूँ। मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा अपने वालिद के कत्ल के खिलाफ और जो आजकल प्रोपेगंडा चल रहा है हमारे खिलाफ के इन्होंने अपने वालिद के कातिल को छोड़ दिया कुछ चंद जायदाद या पैसों की खातर, जो बिल्कुल गलत बात है और ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कतन अपने किसी भी वालिद के कातिल को या किसी को भी हमने प्रॉपर्टी के लालच में बिल्कुल नहीं छोड़ा, ना प्रॉपर्टी की ना पैसे की लालच है, ना होगी ना रहेगी। और हम लोग कतन जो भी हमारे वालिद का कातिल होगा, जो काबिल जो जुर्म इकरार करेगा, जो कातिल होगा उसके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग अपने वालिद के कातिल को पकड़ने तक, उनको कैफे किरदार तक चलाने के लिए इदारों के साथ जहाँ तक चलना पड़ा हम लोग चलेंगे, हम लोग बिल्कुल साथ देंगे उनका। और अभी तक जो मुकदमा है वो चल रहा है, आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह जो भी इससे मजीद नतायज निकलेंगे वो आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। तो फिलहाल जो प्रोपेगंडा चल रहा है कि इन्होंने प्रॉपर्टी या किसी की चीज़ की लालच में अपने वालिद के कातिल को माफ़ कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काइंडली ऐसे प्रोपेगंडा से दूर रहें। और अगर हमारा साथ नहीं दे सकते ऐसे मजलूम होने के नाते, जो जुल्म हमारे साथ हुआ, अगर हमारे साथ उस चीज़ का को लेकर हमारे साथ नहीं चल सकते, तो काइंडली हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगंडा या कोई ऐसी फजूल की अफवाह भी मत फैलाएं, ना उस चीज़ पर यकीन करें। तो बड़ी बस यही गुजारिश थी आप लोगों से, तो ऐसे प्रोपेगंडा से दूर रहें। और कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, हम यकीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।